guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So in today's video I am going to do this makeup look right here. आप देख सकते हो, this is very easy and very simple black smoky eye look for beginners. So without wasting any time, let's jump into the video. So I am starting my makeup with this. This is Sugar का Bling Leader Illuminating Moisturizer in the shade 03 Peach Poppin. ये बहुत ही अच्छा ग्लो देता है आपके फेस पे. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज प्राइमर अगेन फ्रॉम सुगर. ये है बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. ये भी प्राइमर बहुत ही अच्छा है, पोर्स को बहुत ही अच्छे से मिनिमाइज करता है. सो जहां भी आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है आप वहां पे इसे लगा लीजिए. फॉर फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज दिस नायका का स्किन जीनियस फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 03 वार्म सैंड. ये फाउंडेशन जो है एवरीडे के लिए बहुत ही सही है. डॉट 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 करके इसे मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी. आप अगर मेकअप में इंटरेस्टेड हो, मेकअप करना आपको अच्छा लगता है, सो आपको अपने स्किन केयर रूटीन को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना होगा. जितने अच्छे से आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे, स्किन पे ध्यान दोगे, आपका मेकअप उतना ही अच्छा होगा. सो इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से. अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं तो आप ब्लेंडर को कभी भी इस तरह से ड्रैग नहीं करना है आपको. इससे आपका मेकअप जो है, आपका फाउंडेशन जो है बहुत ही केकी लगेगा. सो आप ऑलवेज इस तरह से आप डैबिंग मोशन में डैब डैब करके ब्लेंड कीजिए. अपने नेक पार्ट को तो कभी नहीं भूलना चाहिए, इससे मेकअप हमारा इवन लगेगा. और मेरी आवाज किस तरह से निकल रही है, मैं नेक पे ब्लेंड कर रही हूँ और बोल रही हूँ. सो ये हो गया. नेक्स्ट फॉर कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर. ब्यूटी ब्लेंडर को ना आप कभी भी यूज करो तो उसे गीला करके और उसे स्क्वीज कर लो एंड देन यूज करो. फिर देखो कितने अच्छे से ब्लेंड होगा आपका फाउंडेशन, आपका कंसीलर जो भी है. फेस को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूं ये सुगर का ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर. ब्रो के लिए मैं यूज कर रही हूं ये वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्रो किट. और आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेकअप रिवोल्यूशन का टैमी एक्स रिवोल्यूशन ट्रॉपिकल आई शेडो कार्निवल पैलेट. मॉव कलर को यूज कर रही हूँ और इसे अपने क्रीज पे बिल्ड करूंगी.
नेक्स्ट इसी पैलेट से मैं ये ब्लैक कलर लूँगी और इसे अपने आईलिड पे प्लेस करूँगी, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस टाइप का ये फ्लैट शेडर ब्रश। हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का ग्लिटर, नेक्स्ट अब जो भी फॉल आउट हुआ है उसे हम क्लीन कर लेते हैं। कलर को अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। सारा के लिए मैं यूज कर रही हूं ये लॉरियल का वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा। कंटूर कर रही हूं और यूज कर रही हूं ये वेट एंड वाइल्ड का कंटूरिंग पैलेट। कर रही हूं ये लैक्मे का ब्लश, ये लैक्मे का 9 to 5 ब्लशर है और इसमें मेरा शेड है कोरल पंच। करी हूँ ये नाइका का हाइलाइटर, इसमें मेरा शेड है ग्लिटरी टाटी 02। करी हुई स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, करी हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की कैट सूट लिपस्टिक और इसमें मेरा शेड है बेरी रिकॉग्नाइज। देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। होप आप लोगों को मेरी ये लुक और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, यूजफुल हो ये वीडियो, तो
तो एज यूजुअल मैं बोलूँगी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ सो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोगों से मेरी कोई वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। सो मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।